सुनावे मिसाल, लेकिन आधी आबादी के मन में क्या है ये हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से और ले चलेंगे लाडली बहनों के बीच और समझेंगे आखिरकार यहाँ क्या है इम्पैक्ट। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 1993 से लगाए 2018 के बीच महिला वोटर्स की संख्या 21.66% बढ़ी है, यानी तेजी से महिला वोटर्स की संख्या बढ़ रही है। और पुरुष वोटर से आप तुलना करें तो बस 1-2% का फासला है। 74% महिलाएं यहां पर वोट करती ही करती हैं। और यही वजह है कि यहां पर सियासी दलों को पता है महिला वोटर्स के बिना जीत का रास्ता तय नहीं हो सकता। भोपाल में आपको जगह जगह मिलेगा मैं हूँ परिवार और इस तरीके के बोर्ड बैनर से पटा पड़ा है। ये लोग फ्यूचर वोटर हैं, आप लोग को आइडिया है कुछ? स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते, गवर्नमेंट को लेकर के आई थिंक डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक सोचो और आगे जाके और भी डेवलपमेंट हो ताकि अच्छे तरीके से हर फ्यूचर वाला बंदा अच्छा काम कर सके। तो भाई मध्य प्रदेश में भोपाल में आने वाले चुनाव को लेके महिला फैक्टर क्या सोच रहा है? क्या सोचेंगे हम, क्या सोचें? आपकी सोचने से सरकारें बन जाती हैं और आप कह रही है क्या सोचेंगे? क्या तो पार्टी को चेंज होना चाहिए कुछ तो। लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी, उसी में निकम्मे होते जा रहे हैं। जो नहीं जरूरत है, जिनको नीड है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो घर बैठे बेचारे वेट करते हैं। आम आदमी तो पिसा जा रहा है ना। तो जगह जगह पूरे भोपाल में पोस्टर लगे हैं लाडली दीदी, लाडली बहन, लाडली है। हाँ, लाडली योजना का, हाँ है ना, पैसा 1,000 मिलते हैं। हाँ बहू, ठीक लगता है? हाँ, लेकिन मेहनत से कमा खा रही हैं आपका? तो कमा ही रहे हैं ना, बिना मेहनत को कौन देगा? कोई देता है? कोई नहीं देता। 5 रुपए भी नहीं देते। 1,000 रुपए दे रहे बिना मेहनत के। तो 1,000 रुपए इसलिए दे रहे कि चुनाव है। महिलाएं क्या सोच रही हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर? चेंजेस आना चाहिए यहाँ अपने, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ करना है तो उस हिसाब से। आपको क्या लग रहा है, जो चीजें देख रही हैं सेम रहनी चाहिए बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। नेक्स्ट सरकार को, नेक्स्ट किसी लीडर को, पार्टी को मौका देना चाहिए हमें। और हमें एजुकेशन पे मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। तो भाई भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में सर्दियों की तैयारी तो पूरी हो रही है, जुराबे खरीदी जा रही हैं, लेकिन मैम ये बताइए आपके यहाँ चुनाव भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे थे बदलाव होना चाहिए, कुछ हो तो रहा है, बदलाव सरकार कर रही है। बदलाव क्या बदलाव हुए भोपाल में मुझे बताइए, मैं तो बाहर से आई। अभी लाडली बहना चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ लोग मुझे मिले जो कह रहे थे कि फ्री में पैसा देने से लोग निकम्मे हो सकते हैं। नहीं नहीं, जो महिलाएं घर में रहती हैं, जिनको जरूरत होती है, वो अपनी नीड पूरी कर रही हैं। 1,000 मिल रहे, अभी बढ़ के 1,250 हो गए, तो काफी सारी महिलाओं को फायदा हो रहा है। भाई 200 के करारे नोट दिए और 50 रुपए वापस मिल गए, सस्ता महंगा कैसा लग रहा है? खाने पे पता चलेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल में क्या पता चल रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गए, आप लोग के यहाँ महंगाई पता चल रही है। सालों से एक जना को जिताए हुए हैं भोपाल वाले, मध्य प्रदेश वाले, इस बार क्या लग रहा है? क्यों तो एक में दम है, इसलिए वही जीत कर आ रहा है। पानी कम है, ऐसा हो सकता? क्यों तो 1.5 साल सरकार चली ना। भोपाल में, मध्य प्रदेश में सरकारों ने कितना विकास किया और आने वाले चुनाव में क्या उम्मीदें? बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी महिला आरक्षण दिया, इतना बढ़िया, बहनों को पैसा भी बांट रही है सरकार, और क्या चाहिए। अम्मा ये बताओ, ये जो फिर से चुनाव आ रहा है, वोट देती हो? हाँ देते हैं। अच्छा, सब सरकारें तो लुभाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें कौन ठीक लग रहा? अब जो सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, देख लो ऐसे बैठे हैं कमाने के लिए। वो तो कह रहे हैं आपको 1,250 रुपया मिल रहा है, आप उससे लेके घर पे बैठिए। नहीं मिल रहा है हमको 3 महीने से पे दे रहे हैं, हमारे बेस आ रहा है तो हमारी तो मदद करना चाहिए ना मामा जी को। नहीं हो रही आपकी मदद? नहीं, मदद नहीं हो रही। हम यहाँ कितने सालों से बैठी हूँ, यहाँ पे 35 साल हो गए, मेरा आदमी खत्म हो गया जब से यहाँ बैठी हूँ। आपकी मदद नहीं हुई किसी भी तरीके? नहीं, बस पेंशन मिलती है हमारी 600 रुपया महीना। तो आप लाडली बहन योजना में नहीं आती? नहीं, हमें मना कर दिया था कि तुम्हारा नहीं होएगा। तो भाई जहां महिलाओं ने इतने सारे ग्रुप में बैठ के ऑर्डर किया छोले भटूरे, स्नेहलता शुक्ला को लगा कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, विचार भी साझा कर लिए जाएंगे, थोड़े छोले भटूरे भी साझा कर लिए जाएंगे। आप सब लोग वोट करते होंगे आई गेस? हाँ, वोटिंग करते हैं ना। वोट एक पावर है, मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मानते हैं।
पावर का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया एमपी में, अंदाजा है? आ गया। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है, जहाँ पे भी चौराहा है वहाँ पे सरकार ने ब्रिज बना रखा है एक्सीडेंट वगैरह के प्रिवेंशन के लिए, और एजुकेशन भी काफी हाई हुआ है देखा जाए। मोदी जी, क्योंकि वो भी इलेक्शन नजदीक है, मोदी जी तो हमें बहुत पसंद है। क्या है मतलब उनमें जो लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो सबसे हटके है, मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा कोई लीडर आया है जिसने इतना देश विदेश हर जगह जाके भारत का प्रचार प्रसार किया। मामू, व्हाट अबाउट मामू? मामू शिवराज सिंह चौहान, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं निकाली है उनने, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, उनको नाम भी याद। डिटेल आपको पता है, ये रील वाली जनरेशन कितनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन रखती है, ये नेताओं को पता चल गया होगा। ओके, जरूर। तो देखते हैं, भोपाल की एम फैक्टर से तो बहुत तेज वाइब आ रही है कि बहुत जागरूक जनता है, सब कुछ जानती है पहचानती है, और एम फैक्टर जो चाहेगी वही करेगी। तो ये था मध्य प्रदेश के भोपाल का एम फैक्टर, लिए चलते हैं राजस्थान, शिरीन के साथ समझेंगे कैसा है एम फैक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, मैं आपके साथ शिरीन, और देखिए मेरा ट्रैक्टर पूरे राजस्थान के हर एक जिले में घूम रहा है, क्योंकि हमें खंगालना है ट्रैक्टर से वो एम फैक्टर जो बताएगा कि आखिर राजस्थान में महिलाओं के मन की बात क्या है, और बहुत जरूरी है वो जानना। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी ऐतिहासिक शहर बीकानेर में, बीकानेर की धरती से आज हम खंगालेंगे, गली गली कूचे कूचे जाएंगे और जानेंगे इस ट्रैक्टर के जरिए वो एम फैक्टर जो आपको बताएगा महिलाओं के मन की बात। तो आइए मेरे साथ। राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर, अपने ऐतिहासिक किलों और यहाँ के रेगिस्तान के लिए बहुत मशहूर है, और इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री जानते हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, और दूसरी तरफ बात अगर यहाँ पर करें तो जाट बाहुल्य इलाका है, हालांकि SC और ST वोटरों की संख्या भी यहाँ पर कम नहीं है। यहाँ 7 विधानसभा सीटें आती हैं बीकानेर जिले में, और जिनमें से 3 कांग्रेस के पास हैं, 3 BJP के पास, और 1 सीट ऐसी है जो यहाँ CPIM के पास है। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। मधु जी, ये बताइए कि इस बार राजस्थान में क्या होने जा रहा है, सरकार बदल रही है? हाँ, क्यों, वजह क्या? वजह तो यही है कि बहुत लोग ऐसे परेशान हो रखे हैं कि ऐसा माहौल देख के, ऐसी जिंदगी जी के, जो बच्चे हैं तो भी परेशान है, औरतें हैं तब भी परेशान है, सब परेशान है। गहलोत काम नहीं कर रहे क्या, जो आपके मुख्यमंत्री? नहीं कर रहे गहलोत जी। क्यों, उनसे उम्मीदें कैसे टूट गई, मतलब वादे किए थे पूरे नहीं किए? बलात्कार हो रहे, आप वो देख रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम केंद्र में ज्यादा अच्छा किया है या राजस्थान में काम हुआ है इससे पहले जो बीजेपी की सरकार ने? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आप ये जानना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत में अपितु संपूर्ण राष्ट्र में काम करने का प्रयास किया है। महिला पर, कांग्रेस पर तो भरोसा थोड़ा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन बलात्कार, आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी, और मुकदमा कभी होता ही नहीं है, ना सुनाई होती है। बीकानेर ये वो इलाका है जहाँ से अर्जुन मेघवाल जो है वो सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है, उन लोगों ने काम किया है आप लोगों के लिए? देखो, सांसद कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम करेगा उसका बोलबाला रहेगा, और हमें तो देखो शुरू से ही बीजेपी प्यारी थी, आज भी बीजेपी प्यारी है, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया है, गहलोत ने नहीं किया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखकर आपको लगता है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? हमें तो योगी जी जैसा चाहिए जो पूरे बीकानेर का नक्शा एक, एक योगी जी चाहिए। हाँ, योगी जी चाहिए। इसीलिए मतलब कानून व्यवस्था वो दुरुस्त कर, कानून व्यवस्था है और हर चीज में योगी जी चाहिए। बिल्कुल योगी जी चाहिए। बीकानेर के आचार्य चौक में हम मौजूद हैं, बड़ी तंग सी गलियां हैं आप देख भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर महिलाओं से बात करने के लिए एक चौक पर हम आए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीता देवी। सीता जी, मुझे ये बताइए कि काम कैसा कर रही है सर? बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? अशोक गहलोत काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, और अशोक गहलोत भी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं। कैसी सरकार चाहिए आपको राजस्थान? मोदी जी चाहिए। गहलोत जी काम नहीं कर रहे हैं? गहलोत जी तो अपना काम करेंगे, सबको दे रहे हैं मोबाइल। मोदी जी से उम्मीद है? हाँ, मोदी जी से उम्मीद है। चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पता है वोट डालेंगी ना आप, मुद्दा क्या होगा आपका? हमारे जो औरतों के लिए 33% का कोटा मिले, वो तो हमें एक तोहफे के रूप में मिला है,
महिला आरक्षण बिल। हाँ, महिला आरक्षण पे हमें मिला है, मोदी जी ने बहुत अच्छा हमें गिफ्ट दिया है। अम्मा भी आई। अम्मा नमस्ते, कैसी हैं जी? ठीक हूँ। ये बताइए, राजस्थान में बदलाव होगा क्या इस बार? सरकार तो बीजेपी की चाहिए। बीजेपी की चाहिए? मोदी जी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है, उनके काम पसंद है। क्या अच्छा लगता है? ईमानदारी, मोदी जी की ऑनेस्टी और जो काम कर रहे हैं मोदी जी, जो प्रगति हुई है उससे हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मोदी जी स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है गहलोत साहब ने, लेकिन पीछे टीम में सुधार करने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा अगर सुधार हो जाता है तो ये जो छोटे शहर है ना, यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा संभावना है। अच्छा, राजस्थान का ये रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसी वजह से या कोई और रीजन है? काम नहीं किया? नहीं, काम किया भी है और नहीं भी किया। जैसे हमारे ये गली है आचार्य चौक के अंदर, उसकी तो हालत एकदम से ही खराब है। कुछ काम होता भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, ऐसा कुछ है, चलता रहता है। बीजेपी पर भरोसा है? बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर? हाँ एकदम है। कुछ कहेंगे उनको लेकर? उनको लेकर तो भूलने की जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री तो एकदम भरोसा है हमें। मैम आप बताइए, प्रधानमंत्री पर भरोसा ज्यादा है या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत जी ने अपनी तरफ से काम बिल्कुल 100% कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी टीम पीछे से जो वर्क है ना, वो बेस्ट, उनके जो पीछे के जो है ना, वो इतने खास नहीं कर रहे हैं। वो तो बेचारे अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। पर उनको पीछे की जरूरत क्या है, वो तो खुद मुख्यमंत्री, उनके साथ में जो काम करते हैं उनसे हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंट है। हमारे बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। जब आप कोई शहर घूमते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आखिर उसका मिजाज क्या है। और वाकई रंग रंगीलो राजस्थान क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीकानेर बेहद खूबसूरत शहर है। और आपने जाना कि आखिर वहां एम फैक्टर इस बार किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं की अपनी अपनी सोच है, अपनी राय है, अपनी मांग है उनकी, और यही वो इस बार वोट में इस्तेमाल भी करने वाली हैं वोटिंग के दौरान, जब अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।